रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमर साजिद। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1, 2, 3, 4 चारों पार्ट्स करेंगे। इसमें लिखने हैं राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको सेट गिवन है, इनको इनके आपने पावर सेट्स लिखने हैं। सबसे पहले हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंफर्म करते हैं कितने होंगे जो हमने काउंट करके लिखने हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक और दो एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर। तो 2 की पावर में 2 अगर लिखूँ तो 2 की पावर 2 होती है 4। तो जो पावर सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 4 होंगे। अब मैं इसका पावर सेट लिखता हूँ, पावर सेट। इसका जो पावर सेट है, सबसे पहले आपने लिखना है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के बाद आपने एक एक डिजिट को लिखना है अलग अलग। तो ये 9 है और क्या आ जाएगा? 11। पहले आया 9, यानी कि तमाम पॉसिबल पेयर्स आपने पहले प्लग करना है, फिर पेयर्स के साथ लिखते जाना है। तो 9 और 11 आ गए, ये भी इसी के सबसेट्स हैं। इसके बाद हमारे पास जो इम्प्रॉपर सबसेट बनता है वो भी हमने लिखना है 9 और 11, यानी कि इसको रिपीट कर देना है। आखिर में इन सब को हमने एक सेट वाली ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। तो ये जब तमाम सबसेट एक सेट वाली ब्रैकेट में क्लोज हो जाते हैं तो क्या कहलाता है? पावर सेट कहलाता है। सिंपल सी बात है। इसी तरह अब इसका पार्ट 2 है जिसमें आपको साइंस गिवन है, उसको हम करते हैं सॉल्व। थोड़े से आपके कंसेप्ट मजीद ग्रूम कर जाएंगे। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहाँ पर आपके पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो 1, 2, 3 और 4। तो 2 की पावर में क्या आ जाएगा आपके पास? 4। 2 की पावर 4 जो है वो 16 के इक्वल होती है। हम कैलकुलेटर से इसको चेक कर सकते हैं। 2 की पावर में 4 लिखें तो क्या आता है? 16 आता है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो मतलब पावर सेट बनेगा उसमें 16 एलिमेंट्स होंगे। तो हम लिखते हैं इसका पावर सेट। सबसे पहले हम सबसेट लिखेंगे और आखिर में हम एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो पहला सबसेट जो होता है वो एम्प्टी सेट होता है हमेशा। एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। उसके बाद सारों को अलग अलग लिखना है, यानी कि प्लस का साइन अलग से ब्रैकेट में कॉमा, माइनस का साइन अलग से ब्रैकेट में कॉमा, मल्टीप्लाई का साइन अलग से ब्रैकेट में कॉमा। और ब्रैकेट्स हमेशा आपने सिर्फ सेट वाली यूज़ करनी है। उसके बाद डिवाइड का साइन अलग से ब्रैकेट में। अब हम 2-2 का पेयर बनाएंगे प्लस का माइनस के साथ, प्लस का माइनस के साथ, प्लस का मल्टीप्लाई के साथ, ठीक है, इसी तरह फिर प्लस का डिवाइड के साथ, प्लस का डिवाइड के साथ। अब माइनस का मल्टीप्लाई के साथ लिखेंगे, क्योंकि प्लस के सारे लिख दिए कम्बिनेशन, अब माइनस के कम्बिनेशन लिखेंगे। तो माइनस का मल्टीप्लाई के साथ, माइनस का डिवाइड के साथ, ठीक है, माइनस का डिवाइड, अब मल्टीप्लाई का डिवाइड के साथ। कोशिश करनी है कि ध्यान रखना है कोई भी रिपीट ना हो, मल्टीप्लाई का डिवाइड के साथ लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो चुके हैं। अभी हमने 5 और कम्बिनेशंस लिखने हैं। अब अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई के साथ देखूं, हो चुका है, माइनस का डिवाइड के साथ हो चुका है, डिवाइड का माइनस के साथ हो चुका है, प्लस का मल्टीप्लाई के साथ, सारे के सारे 2 वाले कम्बिनेशंस मुझे लग रहा है हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब 3 वाले की तरफ चलते हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, यानी कि इन 2 को फिक्स रखा और इसको चेंज किया। इसी तरह प्लस, माइनस, डिवाइड, प्लस माइनस डिवाइड आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हुआ था, माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो चुका है, माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो चुका है, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसी तरह मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस। तो ये हमारे पास रहता था मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस का कम्बिनेशन, मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस का कम्बिनेशन।
अब लास्ट में हम इस सारे सेट को कंप्लीट लिख सकते हैं, क्योंकि तीन के तमाम कॉम्बिनेशंस हो चुके हैं, इन दो को फिक्स रखा। ये आप सोच सकते हैं कोई भी, जिस तरह माइनस मल्टीप्लाइड वाइड, माइनस मल्टीप्लाइड वाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस, माइनस मल्टीप्लाइड प्लस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तो ऑर्डर आगे पीछे नहीं करके भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये सारे कॉम्बिनेशंस हो चुके हैं। लास्ट में हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट आ जाएगा, जो कि सेम रिपीट कर देना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। हम काउंट करेंगे क्या ये 16 पूरे हो चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो मैंने इनिशियली देखा था कि 16 सबसेट्स बनेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूरे हो चुके हैं, तो आखिर में इनके इर्द गिर्द एक ब्रैकेट डाल देंगे, तो ये हमारे पास इस सेट का प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। अब चलते हैं हम इसके 3 की तरफ, ठीक है। 3 में आपके पास लिखा हुआ है एक सेट जिसके अंदर है एम्प्टी, यानी कि एम्प्टी सेट है, एक पावर सेट है जिसके अंदर जो सेट है वो एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो इसके अगर एलिमेंट देखे जाएं तो इसमें एक एलिमेंट है जो कि एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट के अंदर एम्प्टी सेट, यानी कि अगर आप इसको गौर से देखें तो ये यूँ लिखा हुआ है, एक सेट है उसके अंदर क्या है, एम्प्टी सेट है। तो इसके अंदर क्योंकि एक सेट है बेशक वो एम्प्टी है, तो 2 की पावर में 1 कितने बनेंगे, 2। तो इसका अगर मैं पावर सेट बनाऊं, पावर सेट अगर लिखूं, तो इसका पावर सेट होगा, सबसे पहले आएगा आपके पास एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट के बाद ये सेम रिपीट हो जाएगा, जो कि क्या है, इम्प्रॉपर सेट है, यानी कि ठीक है, और इधर ब्रैकेट आ जाएगी, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, इसका पावर सेट कहलाएगा। इसी तरह हमारे पास जो इसका पार्ट 4 है वो लिखते हैं, इजी सा है, उसमें 2 एलिमेंट्स हैं और उसका हमने पावर सेट लिखना है, एक एलिमेंट है ए और दूसरा एलिमेंट है सेट है जो बी और सी, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया, मतलब सेट आ गया। अगर देखें तो 2 की पावर में 2, तो इसके जो पावर सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 4। तो हम इसका पावर सेट लिखते हैं, पावर सेट लिखते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास सेट आएगा, हमेशा एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। उसके बाद हम एलिमेंट, यहाँ पर ए है, अकेला ए आ जाएगा सेट की फॉर्म में। फिर दूसरा एलिमेंट है बी और सी, तो इसको भी हम ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे, दूसरे एलिमेंट को, जो कि सेट है इटसेल्फ। उसके बाद आपके पास ये कंप्लीट रिपीट होगा, ठीक है, और इसको भी हम ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर जो इम्प्रॉपर सबसेट है वो आ जाएगा, ठीक है। आखिर में क्योंकि पावर सेट है, तो ये सबसेट मतलब तमाम सेट्स का सबसेट्स का सेट होता है, तो सेट वाली ब्रैकेट्स डाल देंगे, तो ये आपके पास इसका पावर सेट बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे, चैप्टर इजी है, सारा चैप्टर ही एमसीक्यूज टाइप है, तो कंसेप्ट साथ साथ मैंने कोशिश की है आपकी क्लियर करें। चलते हैं 2.2 पर, जिसमें वेन डायग्राम बनाना और एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा, फंक्शंस और डिफरेंस सब करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी वीडियो देखने के लिए एक्सरसाइज नंबर, क्वेश्चन नंबर और साथ बाय उमेश साजिद लिखना ना भूलें, आप इससे एग्जैक्ट मेरी वीडियो पर आ जाएंगे और आप फ़ायदा उठा सकते हैं वीडियोस का। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।